अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जसीम, आप देख रहे हैं सैयदुल अत्तो का इजर। आज हम लोग आए हैं मदाइन ज़्यारत करने, और आज की पहली ज़्यारत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि है हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे साहबे। तो चलिए ज़्यारत करते हैं आगे जाकर। सलमान फ़ारसी के मज़ार मुबारक, और यहाँ पर सलमान फ़ारसी दूसरा दो है, आपको आगे बताऊँगा। और सलमान खान सलमान फ़ारसी वो है जो अल्लाह के सबसे करीब सहाबी थे। सुना से ये मज़ार है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़्यारत कर लीजिएगा अभी। तो नाज़रीन ये जो है वो हुज़ैफ़ा बिन यमन, जो कि सरकार के राजदान सहाबी थे, और इनको सरकार के जितने भी राज होते थे इनको खबर होते थे। तो इनकी भी याद करते हैं आइए। सब सहाबी कोई खड़ा नहीं होता, हाँ। तीन बार अपने वाले कौन खड़ा होता है, कौन जाएगा, मुझे कोई खड़ा नहीं होता। अच्छा, तीन बार बाद ये कोई खड़ा ना हुआ, सब सहाबी सब बैठे थे। और नाज़रीन ये हुज़ैफ़ा बिन यमन के बाद आते हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे, इनका नाम है ताहिर बिन इमाम मोहम्मद बाक़िर, और अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी। ये दो मज़ार है इधर है, और ये दो मज़ार है ज़्यारत कर लेंगे। ये जो मज़ार है वो इनकी है, जिन्होंने इमाम हुसैन की जो कब्र मुबारक थी सबसे पहले इनको मालूम पड़ी थी, इन्होंने बताया था कि इमाम हुसैन की मज़ार मुबारक यहाँ पर है। और ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे, और ये ज़्यारत कर लीजिएगा नाज़रीन पूरी। और ये है यमन, हुज़ैफ़ा बिन यमन ये वो है, और आके सलमान फ़ारसी हुज़ैफ़ा बिन यमन, और इमाम बिन बाक़िर अली के बाक़िर के वो है। और ये है अब्दुल्ला बिन जाबिर अल अंसार, इनका आपको मैंने बता दिया हो शायद। सो नाज़रीन अभी हम जा रहे हैं किसरा के महल, वो महल है जो किसरा का महल वो है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, जब दैट टाइम जब किसरा के महल में जो मूर्तियाँ गिरी थी, आपने कोई वीडियो में देखा होगा, सोशल मीडिया में पहले थी, बहुत वायरल हुई थी अभी ईद मिलादुन्नबी के टाइम पे, तो वही किसरा के महल में हुई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं किसरा का महल देखने, और पीछे सलमान फ़ारसी का गुंबद माशाल्लाह, अभी सोचा नहीं था लेकिन आ गए। तो नाज़रीन सामने है किसरा का महल माशाल्लाह, और हम लोग उसके अंदर शायद जा सकते हैं जन्म हो। तो नाज़रीन किसरा महल, मैं 5 बार बोल चुका हूँ यार, फिर भी इमारत का क्या हाल हुआ है। सिर्फ बाहर से देखने मिलती है, अंदर नहीं जाने दे रहे, इसलिए न
नाज़रीन, अब हम आए हैं इमाम गजाली के उस मज़ार में। इनकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। नाज़रीन, ये है इमाम गजाली हज़रत का नाम और मुकद्दसा। इमाम गजाली दरवाज़ा खोलने तो खुलता हुआ है। नाज़रीन, ये है इमाम गज़ाली का रोज़ा मुबारक। नाज़रीन, अब हम आ रहे हैं अहमद अल खुबरा की तरफ। उनकी भी एक मज़ार है जिनकी मज़ार पानी में है। इंशाल्लाह ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो चलिए ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, ये है अहमद अल खुबरा जिनकी नज़ारा पानी के अंदर है। ये है मदर कुबरा की मज़ार जिसमें पानी है, पानी में मज़ार है, अपने आप पानी आता है बाहर से। नाज़रीन, आज हम लोग अभी है उमर शेख उमर शाहवाजी के घर पर ज़ियारत करते हैं। सो नाज़रीन, ये है शाहवाजी का हरम, और ये एक नवा मीनार बना है, लेकिन ये हज़रत गौसुल आज़म के टाइम का मीनार है। ज़ियारत कर लीजिएगा। और ग्रेप्स, यस, खजूर ग्रेप्स, आई डोंट नो, खजूर अभी भी। नाज़रीन, ये है शाहवर्दी के मज़ार मुबारक। माशाल्लाह, और ये मज़ार है अब्दुल्ला बिन मंसूर की, उनकी औलाद। ये शहरवर्दी और नाज़रीन, अब हम आए हैं इमाम हम्बल के रोज़े पर। वो तो मशहूर है, आपने नाम सुना होगा। चले ज़ियारत करें इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र। नाज़रीन, अब है हबीब अज़मी की बारगाह में। गुंबद देखने मिल जाएगा। नाज़रीन, ये है हज़रत हबीब अज़मी। हज़रत